आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कश्मीरी स्ट्रीट फूड के दो फेमस फूड्स कैसे बनते हैं घर पे। एक हमने बनाया है पटेटो और आलू से, जिसको हम आलूमंज बोलते हैं, और दूसरा बनता है नदरू या लोटस स्टेम से, इसको नदरमंज बोलते हैं। ये काफ़ी टेस्टी और डिफरेंट होता है एंड ये हाईली रिक्वेस्टेड था, सो हम दिखा रहे हैं आप ईजिली कैसे इसको घर पर बना सकते हैं। प्लस हमने इसको सर्व किया है विद अनियन चटनी और टमेटो केचप, मगर आप किसी और केचप या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। तो हमने लिया है 2 cups ऑफ राइस फ्लावर, और ये लेकिन कश्मीरी राइस का फ्लावर नहीं है, ये पंजाब से जो आता है उसका है, बिकॉज कश्मीरी राइस का फ्लावर का बैटर अच्छा नहीं बनता है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो यूज़ करें। फिर हमने लिया है 2 potatoes और इनको इस शेप में काटा है। मैंने लिए 2 sticks ऑफ नदरू और इनको ऐसे शेप में काटा है जैसे कि यूजली बाहर मिलता है। फिर हमने लिए हैं स्पाइसेस, ये है 1 teaspoon ऑफ जिंजर पाउडर, ये है 1 teaspoon ऑफ गरम मसाला पाउडर, और ये है 1 tablespoon ऑफ सौंफ और फेनल सीड पाउडर या बादियां का पाउडर। फिर सॉल्ट या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेंगे, और फूड कलर एंड ने लिया 1 cup ऑफ बेसन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 चीज़ें जो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है ये ऑप्शनल है, यू कैन स्किप इट। तो सबसे पहले हमने एक बोल में ये राइस फ्लावर और आटा लिया है, चावल का आटा, और हम इसमें डाल देंगे अब 1 cup ऑफ बेसन, 1 cup बेसन का। यूजुअली बाहर कभी कभी बेसन भी यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, मगर बेसन से इसका टेस्ट एनहांस होता है, इसलिए हमने घर में यूज़ किया है। अब हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट भी अपने अकॉर्डिंगली डालिए जितना आप यूज़ करते हैं, इफ़ यू लाइक मोर सॉल्ट तो ज़्यादा डालिए। फिर बाकी हमने इसमें जिंजर पाउडर या सौंठ और गरम मसाला पाउडर, और हमने फेनल सीड पाउडर और सौंफ पाउडर डाल दिया है, और हम बैटर बनाएंगे। आप एक साथ बहुत पानी नहीं यूज़ कीजिएगा क्योंकि उससे बैटर पतला बन सकता है, इसलिए आप पानी डालते जाइए और देखिए बैटर कैसा बनता है। आपको बताना चाहूँगी कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है हमें वो स्मूथ चाहिए, और ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, थोड़ा पतला, लेकिन उतना भी पतला नहीं कि वो बिल्कुल ही स्टिक ना करे इन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसा कि जो इजीली फॉल ऑफ भी हो मगर जो स्टिक भी करे। सो हियर यू कैन सी, इट शुड नॉट बी टू थिन एंड इट शुड नॉट बी लंपी एज वेल। अब मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, इसमें 2 ways ऑफ एडिंग है, एक तो जो प्लेन मैं दिखा रही हूँ डालना फूड कलर, इससे भी कलर आ जाता है, और दूसरा वाटर में ऐड करके। अगर आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड यू डोंट वांट टू ऐड दीज थिंग्स, आप कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट दिस इज़ व्हाट वाज अवेलेबल एट माय होम एंड आई हैव यूज्ड इट, सो प्लीज़ यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट। और दूसरा हमने वाटर में ऐड किया है फूड कलर, कश्मीरी स्ट्रीट फूड में यही फूड कलर यूज़ होता है, सो दैट्स वाई आई एम शोइंग यू। आप लोग ऑब्वियसली कोई नेचुरल वे यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू टोटली। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कलर आ चुका है इसे, एंड हमारा बैटर काफ़ी स्मूथ बन गया है, एंड दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नदरू को फाइन स्टिक्स में काटा है वो, और हम अच्छी तरह से कवर करेंगे नदरू को बैटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नदरू की स्टिक्स हैं अच्छी तरह कवर हो चुकी हैं बैटर में, और अब हम इनको फ्राई करेंगे डीप फ्राई। सो यहाँ पे ऑयल जो है काफ़ी हॉट है, प्लीज़ मेक श्योर योर ऑयल इज़ रियली हॉट व्हेन यू पुट देम इनसाइड। अगर ऑयल ठंडा होगा तो द बैटर विल कम ऑफ एंड दे विल कम हार्ड, तो जो आपका ऑयल है वो स्टार्ट में काफ़ी हॉट होना चाहिए। और हमने उसमें डाल दिए हैं ये नदरू, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इफ़ यू वॉन्ट दैट योर नदरू शुड बी कुक्ड अंदर से भी, तो फिर आप लोग इन बिटवीन यू कैन कीप द बर्न ऑन मीडियम फ्लेम, मगर स्टार्ट में इट शुड बी ऑन हाई फ्लेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नदरू ऐड कर रहे हैं, वी आर फ्राइंग देम ऑन ईच साइड। तो हियर यू कैन सी द कलर लुक्स गुड, एंड ये अंदर से भी कुक हो चुके होंगे, सो विल टेक देम आउट ऑन अ प्लेट, कवर द टिश्यू से जो एक्स्ट्रा ऑयल है इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड। सो अब हम ये बैटर रीयूज़ करेंगे और इसमें डाल देंगे आलू वाले जो हमने काटे थे, सो दैट हम आलू वाले चिप्स भी बना सकें। हियर यू कैन सी ये भी हम इसमें डाल रहे हैं, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सो दैट जो आलू है इनके ऊपर भी इसकी कवरिंग हो अच्छी तरीके से बैटर की। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी एंड इट डजंट टेक मच टाइम,
एंड इस बेटर अगर आप घर पे बनाएंगे, क्योंकि ये क्लीनर एंड हेल्दियर होगा। यू वुड बी एबल टू कंट्रोल द ऑयल यू यूज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑयल में डाल दिया है। आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको ऑयल स्टार्ट में वो काफ़ी हॉट हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाल दिए हैं इसमें ये आलू वाले चिप्स, एंड नाउ वी विल फ्राई देम ऑन ईच साइड एंड देन यू कैन सी दैट आई एम एडिंग ऑल ऑफ देम। तो ये फ्राई हो चुके हैं और मैं इनको भी निकाल दूंगी सेपरेट प्लेट पे, येट अगेन कवर्ड विद द टिश्यू। सो हियर यू कैन सी कि हम इनको निकाल रहे हैं बाहर, एंड यूजुअली वी ईट इट हॉट हियर, हम ठंडा नहीं खाते इनको। सो वी सर्व इट हॉट। ये आप देख सकते हैं निकाल दिया हमने। ऐसे आप सारा फ्राई कीजिएगा एंड then you can serve it hot with the chutney. हमने यहाँ पे अनियन की चटनी बनाई है और टमाटो केचप, एंड आई एम श्योर यू वुड लव दिस रेसिपी। प्लीज़ ट्राई इट एट होम एंड कॉमेंट बिलो अगर आपको पसंद आया, या इफ़ यू वॉन्ट अस टू मेक समथिंग एल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।